आज मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन पीयूसी, ये एक नया चालू किया है ट्रैफिक पुलिस ने, जिसे ये लोग बोलते हैं ऑनलाइन पीयूसी। अब आप अपनी पीयूसी ले सकते हैं ऑनलाइन, आपको मैं बताऊंगा कैसे। तो हम पहले पीयूसी लेते थे, हम पीयूसी वाले के पास जाते थे, वो अपना पोल्यूशन चेक के लिए आपके साइलेंसर में जो उनकी मशीन का आउटपुट होता था वो डालकर वो चेक करते थे आपका गाड़ी में से कितना पोल्यूशन निकल रहा। अब उन्होंने वही चीज़ को ऑनलाइन किया है, तो मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में कि ऑनलाइन पीयूसी क्या होती है और कैसे वो देते हैं, कहाँ पर रजिस्टर होती है, वो कैसी दिखती है, सब कुछ। एंड आपको मैं पुरानी पीयूसी भी बताऊंगा कैसी दिखती थी। पुरानी पीयूसी में बेसिकली वो लोग लिख कर देते थे जो भी आपका पोल्यूशन होता था, पोल्यूशन कंट्रोल या आपका जो गाड़ी का पोल्यूशन रीडिंग आती थी, वो लोग हैंड रिटन होती थी, इट इज़ नोवेयर ऑटोमेटेड, वो कंप्यूटराइज नहीं थी। तो अब वहाँ पर सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा इस वीडियो में कैसे होती है ऑनलाइन पीयूसी। जो पुरानी आपकी पीयूसी थी उसमें आपके गाड़ी का नंबर होता था, उसमें वैलिडिटी डेट होती थी, डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ एक्सपायरी, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं बट एवरी टाइम इट इज़ 6 months, उसका जो पीरियड होता था दैट इज 6 months, आपको एवरी 6 months में वो रिन्यू करनी पड़ती थी। एंड उसके नीचे 3 options होते थे, दैट इज़ योर इमिशन टेस्ट जो होता था, जो रिजल्ट्स होते थे वो उसके नीचे होते थे, लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन आपकी गाड़ी में से कितना निकल रहा है, नॉन मिथेन कितना निकल रहा है, एंड रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ओके है नहीं ओके है, तो वो लोग वहाँ से पेन से रीडिंग लिख देते थे एंड दे पुट इट। मैंने बहुत सारे देखे हैं, उनकी मशीन चलती नहीं थी तो भी आप समझ सकते हो, बट स्टिल ऐसा पहले होता था, हैंड रिटन होता था, एवरीथिंग इज लाइक उसके हाथ में है जो ले रहा है, उसकी मशीन चल रही है नहीं चल रही है वी डोंट नो, वो देखता था, लिख के दे देता था, एंड वी आर लाइक ओके हो गया। लेकिन अब उन्होंने सब प्रोसेस चेंज कर दिया जस्ट टू कंट्रोल द पोल्यूशन, विच इज़ वेरी गुड। अब उन्होंने कर दिया है ऑनलाइन। अब मैं आपको बताऊँगा ऑनलाइन क्या होता है, ऑनलाइन पीयूसी क्या होती है। ऑनलाइन पीयूसी दिखती है ऐसी, दिस इज़ द ऑनलाइन पीयूसी, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। ये एक पेपर पे प्रिंट आउट मिलता है आपको, वो प्रिंट आउट पे आपके जो एमिशन आते हैं, जो CO2 है, जो आपकी गाड़ी पोल्यूशन कर रही है, उसके जो रीडिंग्स आती है वो रीडिंग्स प्रिंटेड आती है, जो कोई लिख नहीं सकता। ऑन द अदर हैंड ये जो पीयूसी है, ये पीयूसी आपको ऑनलाइन, व्हेन दे से ऑनलाइन, तो ऐसा नहीं है कि आप घर बैठे हो, आप अपना लैपटॉप चालू करोगे, आप अपना पीयूसी ले लोगे, दैट इज़ नॉट द केस। जब आप बोलते हो ऑनलाइन पीयूसी, इट इज़ ऑनलाइन रजिस्टर्ड पीयूसी। जब मैं बोलता हूँ ऑनलाइन रजिस्टर्ड पीयूसी, तो ये करेंगे पीयूसी वाले ही, बिकॉज उनके पास मशीन होती है जिसमें आप पीयूसी देख सकते हो, आप एमिशन कितना CO2 छोड़ रहा है, उसका गाड़ी कितना पोल्यूशन कर रहा है, वो आप जज कर सकते हो, रिजल्ट्स आते हैं उसके। लेकिन ये रजिस्टर होगा ऑनलाइन। जब मैं बोलता हूँ ऑनलाइन, लाइक जो नई गाड़ियाँ हैं जो 2017 एंड अबाव है, लाइक 17, 18, 19 की जो गाड़ियाँ हैं, उनके जितने भी रिकॉर्ड्स हैं ये सारे RTO में रजिस्टर्ड हैं, एंड रजिस्टर्ड रिकॉर्ड से आपको सारे रिकॉर्ड, आप अपना नंबर डालिए, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप अपनी गाड़ी का नंबर डालेंगे, चेसी नंबर डालेंगे या इंजन नंबर डालेंगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ऐसी वेबसाइट्स पे अब आपको PUC की इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। अब उन्होंने क्या किया है, 2017 एंड अबाव की जो गाड़ियां हैं, जो पेट्रोल स्पेसिफिक टू पेट्रोल गाड़ियां जो की हैं, उनकी PUC लिमिट भी बढ़ा दी गई है। जैसे पहले आपको 6 महीने की PUC मिलती थी एंड यू हैव टू पे लाइक 80 rupees पर PUC, लेकिन अब आपको 1 year की PUC मिलेगी, डिपेंडिंग ऑन योर गाड़ी का जो इंजन है उसका स्टेटस, लाइक कितना पोल्यूशन निकाल रही है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कितना मिलेगा। लेकिन नॉर्मली पेट्रोल गाड़ी को आपको 1 साल की PUC मिलेगी। अब ये जो मेरी PUC है, जो आप मेरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, वो PUC पे आप अगर चेक करोगे, द डेट इज़ 2020 अक्टूबर, दैट इज़ मैंने अभी उस PUC ली है जो 2020 अक्टूबर, दैट इज़ 1 year तक चलेगी, मुझे 1 year तक PUC निकालने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं 1 year तक वो PUC यूज़ कर सकता हूँ। ऑन द अदर हैंड मैं ये PUC की इंफॉर्मेशन कहीं से भी ले सकता हूँ, अगर मेरे पास इन केस PUC अवेलेबल नहीं है, मेरे पॉकेट में, मेरे पेपर्स में, मेरे गाड़ी में PUC नहीं है, नॉट अ प्रॉब्लम, आप अपना PUC कंट्रोल का नंबर जो है
वो अपने फोन में सेव करके रखे, आप सीधा वो नंबर टाइप करेंगे, आपका नंबर इंजन नंबर डालोगे, रजिस्टर नंबर डालोगे, यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। उन्होंने एक बार कोड भी दिया हुआ है वहाँ पर, आपका एक कोड दिया हुआ है आईआर कोड, जिससे आप स्कैन करोगे यू विल डायरेक्टली गो टू द पोल्यूशन कंट्रोल सेंटर, दैट इज आपका जहाँ पर पीयूसी रजिस्टर्ड है, उस पे आपकी सिर्फ गाड़ी का नंबर रजिस्टर्ड दिखेगा, डिस्प्ले होगा, और आपका जो पोल्यूशन के जो रेटिंग्स है, जो पोल्यूशन के जो आपका डेटा है वो डिस्प्ले होगा, उसके सिवा कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। तो उन्होंने ये भी केयर किया हुआ है ट्रैफिक पुलिस ने कि आपकी गाड़ी का कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक योर चेसी नंबर, योर इंजन नंबर, कोई भी डिस्प्ले ना हो। इन केस आप वो कोई ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है, ही विल स्कैन द बार कोड एंड ही विल चेक, ही विल वेरीफाई, वो वेरीफाई कर सकता है ऑनलाइन, उसको सारा डिटेल ईजिली मिल जाएगा ऑन योर कार का या बाइक का नंबर से। सिंपल ऐसा इन्होंने किया है ऑनलाइन पीयूसी का जो रजिस्ट्रेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा ऑनलाइन पीयूसी ये लोग करते कैसे हैं, मतलब आपको गाड़ी कैसे कहाँ लेकर जानी होगी, कहाँ पर उनको बताना होगा कि ऑनलाइन ये करना है। और एक चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, 2017 एंड जो पहले की गाड़ियाँ हैं, जो बहुत पुरानी गाड़ियाँ हैं, लाइक 2010 की गाड़ियाँ हैं, 2012 की गाड़ियाँ हैं, उनका पीयूसी लेते टाइम इफ़ इन केस उनका अगर डेटा ऊपर अवेलेबल नहीं है तो आपको एक प्रॉब्लम ये होगी कि आपको पीयूसी वाले के पास जाना पड़ेगा, वो आपके आरसी में से, इंश्योरेंस में से सारा डिटेल निकालेगा, पुल अप करेगा, डेटा पूरा फीड करेगा और फिर आपकी पीयूसी इनिशिएट करेगा, इसमें टाइम लग सकता है। तो नॉर्मली आजकल पीयूसी वाले थोड़े से बिकॉज कम है, बिकॉज दे आर अंडर ट्रेनिंग, सबको ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ रहा है, एंड यू नो ट्रेनिंग मिलने के बाद वो पीयूसी चालू कर पा रहे हैं, उनके पास अभी थोड़ा सा टाइम का कंस्ट्रेन है, बिकॉज पब्लिक ज़्यादा हो गई है, सब पीयूसी सेंटर्स बंद है, ऑनलाइन पीयूसीज खाली जो है चल रही है, जो थोड़ी बहुत है वही चल रही है, तो वो अभी थोड़ा सा यू नो बोल सकते हैं आपको, आप थोड़ी देर बाद आओ, दोपहर को आओ, यू नो रात को आओ, क्योंकि आपका पूरा डेटा फीड करना पड़ेगा, देन दे आर एबल टू डू द पीयूसी। तो ये एक प्रॉब्लम है। ऑन द अदर हैंड 2K17 और पहले की जो गाड़ियां हैं, पॉसिबिलिटी है कि उसकी जो पीयूसी आपको 6 मंथ्स की मिले। ये मैं जब ऑनलाइन पीयूसी वालों से बात कर रहा था, दे सेड कि हाँ ऐसे बहुत बार हुआ है कि 2K17 एंड जो पहले की गाड़ियां हैं उसकी जो पीयूसी है उनको 6 मंथ्स की मिली। लेकिन अब मेरी गाड़ी भी 2K17 की है, वी चेक द डेट ऑन द पीयूसी, इट इज 2K17, लेकिन उसने बोला 2K17 एंड अबाव को 1 ईयर की पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई, तो जो पहले की है उस पर नहीं मिलेगी, उस पर शायद आपको 6 मंथ्स का ही पीयूसी मिले। अब मैं आपको बताऊंगा पीयूसी करते कैसे हैं ये लोगों का जो नया सेंटर है, लाइक उनका जो सेटअप है, पूरा सेटअप मैं दिखाऊंगा, प्रिंटर, उनका लैपटॉप, उनकी मशीन, उनके जो गैजेट्स यूज़ करते हैं वो लोग, लाइक वो कैमरा यूज़ करते हैं, अब इन द न्यू ऑनलाइन पीयूसी आपको कैमरा भी यूज़ करना पड़ता है, बिकॉज आपको नंबर प्लेट स्कैन करनी पड़ती है, वो भी उसके ऊपर प्रिंट होके आती है, जैसे आप ये पीयूसी में देख सकते हो, उस पर नंबर प्लेट भी प्रिंटेड है। तो इन्होंने बहुत अच्छी से केयर किया है, आपका कोई भी कॉन्फिडेंशियल लाइक इंजन नंबर, चेसी नंबर लीक ना हो, किसी को ना दिखे पीयूसी के सर्टिफिकेट पे, वो भी टेक केयर किया हुआ है, वेरी नाइसली डन। लैपटॉप से डायरेक्ट कनेक्टेड मशीन, प्रिंटर, चालू करो, सब काज बंद करो, एसी 3 पे रखो, ओके, हाँ, एक फुल ड्रेस देके छोड़ दो, अच्छा।
ऑल लाइट्स ऑन, एसी ऑन नंबर 3, फुल रेस. That's it. All set.